हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवीज बाजार में। दोस्तों 33 साल पहले रामानंद सागर ने एक ऐसा शो बनाया था जिसके टीवी पर आते ही सड़कें सूनी हो जाया करती थी। लोग उस वक्त टीवी के सामने से एक मिनट के लिए भी नहीं हटते थे। देश भर में लॉकडाउन जैसी स्थिति होने के बाद भी लोग आज दूरदर्शन पर रामायण देख रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं, इस शो का हर एक किरदार अपने आप में खास है, लेकिन आज हम बात करेंगे रामानंद सागर की रामायण में विभीषण का किरदार निभाने वाले अभिनेता मुकेश रावल की। क्या आप जानते हैं, जिस वक्त रामायण की शूटिंग हो रही थी उस वक्त मुकेश रावल एक बैंक में नौकरी करते थे। वह उस वक्त मुंबई के एक बैंक में कार्यरत थे। बताया जाता है कि रामायण की शूटिंग के कारण वह बैंक की ड्यूटी पर कमी आते थे और इस वजह से बैंक ने उन्हें नोटिस भी दिया था। हालांकि बाद में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए अधिकारियों ने उन्हें स्पेशल छुट्टियां दे दी थी। उन्होंने 2001 में रिटायरमेंट ले ली थी। आपको बता दें, साल 1951 को मुंबई में पैदा हुए मुकेश रावल ने हिंदी के साथ गुजराती इंडस्ट्री में भी काम किया था। जिद, ये मजेदार, लहू के दो रंग, सत्ता, औजार और कसक जैसी हिंदी फिल्मों में उनके काम को काफी सराहा गया। इसके अलावा वो कई गुजराती फिल्मों में भी नजर आए। अब उनसे जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात बता दूं दोस्तों, जिसे सुनकर आपको भी शौक लग जाएगा। 15 नवंबर 2016 को मुंबई स्थित कांदिवली रेलवे स्टेशन के नजदीक ट्रैक पर पुलिस को उनका शव मिला था। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कारण से परेशान होकर खुदकुशी कर ली है। हालांकि उनके घर वालों ने इस बात से साफ इनकार किया है, लेकिन उनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। रामायण दूरदर्शन पर सुबह और रात 9 बजे प्रसारित होता है। महाभारत का प्रसारण डीडी भारती पर किया जा रहा है, जिसे आज भी लोग पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन सुन के कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।